ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द टॉप 5 ऑफ दिस वीक। और ऐसा लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, इसकी जरूरत बहुत बढ़ती जा रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। बट वी ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो। तो करना, हम वो चीजें लेके आते हैं जो गोदी मीडिया छुपा जाता है, लेकिन हम आपको जरूर दिखाते हैं। एक वीडियो आ रहा है और ट्रस्ट में हम किसी पार्टी पूटी के साइड नहीं है, बट इट वॉज अ नाइस जेस्चर। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। इट वॉज रेन एंड दिस गाय वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच, इट वॉज गुड टू सी। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। पीपल फ्रॉम अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो प्रेजिंग दिस थिंग। It was a good gesture. They are working hard, but let me tell you something honestly. अभी विपक्ष की जो हालत है और जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसा लगता है, मतलब जनता के दिमाग से विपक्ष गया। And why opposition is important and talking about opposition is important? क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी परम आवश्यकता होती है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो बाबा रामदेव भी कह रहे थे, मैं नहीं दिखा रहा थोड़े दिन पहले। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों जिंदा रहना चाहिए। There should be a voice and media should cover that up. क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कुछ लोग देख रहे थे, तो शायद इस यात्रा के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद टूट जाए। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। और मीडिया ये बताएगी अपोजिशन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन याद उल्टा होता है कि सरकार गलती करती है, अपोजिशन सवाल पूछते। नंबर 5, दिस वीक ऑन 2 अक्टूबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों हमारे हीरोज हैं और हम दोनों का बहुत सम्मान करते हैं। बट ऑन 2 अक्टूबर ये ट्रेंड कर रहा था और महात्मा गांधी के मीम्स आ रहे थे, अजीब तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश संकट में है। बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, कम ऑन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंच चुके हैं। स्पेशली बर्थ एनिवर्सरीज पर इस तरह की चीजों को ट्रेंड नहीं करना चाहिए। गाइज, इफ यू रिमेम्बर, मोदी जी सेड अ रियली नाइस श्लोका इन संस्कृत एंड इट वेंट वायरल। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम। एक बात बता दूं, मैं संस्कृत भाषा का बहुत आदर करता हूं। मोदी जी ने ये श्लोक कहा था, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इस श्लोक में लवण, लवण का मतलब होता है नमक, लवणेन भोज्यम, ओके, लवणेन भोज्यम। एंड नोबडी थॉट अबाउट दैट, दैट दीस किड्स आर एक्चुअली गोइंग टू ग्रैब सॉल्ट एंड राइस। ये स्कूल की हालत यही है, नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है। लवण अर्थात नमक और चावल का भोजन दिया जा रहा है इन मासूम बच्चों को एज अ मिड डे मील। Government data shows that in the first 9 months of 2022, 979 school students suffered food poisoning after eating midday meals. वायरल हुआ तब बात पता चली लोगों को। मेन्यू में तो कुछ दिया ही नहीं, जो दिया भी है वो भी नहीं बन रहा है, नमक भात तो कहीं लिखा ही नहीं है। Videos from UP and when this video went viral, they suspend the principal of the school. प्रथम दृष्टया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी। ये बात जब वायरल हुई, इस वीडियो को देखकर बहुत दुख पहुंचा लोगों को। यस गाइस, दीज विजुअल्स आर रियली हार्ट ब्रेकिंग। देश संकट में है, लवणेन भोज्यम। आई एम नॉट 100% श्योर दैट इट इज रियल और फेक, बट दिस न्यूज कट गाइस, आई एम गिविंग मटेरियल टू गोदी मीडिया नाउ। 13 दिन में ही मिली खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? मादा चीता हुई प्रेग्नेंट। अरे तालिया। मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। Okay, I don't know it's true or false, but it was going viral. अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। Okay guys, दिवाली is coming. और जैसी दिवाली आने वाली होती, एक चीज की तैयारी जोरों शोरों से होती है घरों में, मिष्ठान बनाने की, मिठाई बनाने की, और तब याद आता है गैस का सिलेंडर। 14.2 किलो वाले सिलेंडर के रेट, कोलकाता 1,069 रुपए, दिल्ली 1,053 रुपए, मुंबई 1,052.05, चेन्नई 1,068.05। After that, the price of a gas cylinder. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर लोगों को याद आता है कि यार स्मृति ईरानी जी कुछ कहिए, सुनते हैं आप, कुछ कीजिए। But yeah, we are continuously saying that she went to Gujarat this week. गुजरात की बहनों को भ्रमित करेंगे, उनसे आज मैं कहना चाहती हूँ। गुजरात जाके इन्होंने ये कहा कि वो सपनों के सौदागर दिल्ली से आकर
गुजरात की बहनों को भ्रमित करेंगे। ओके, दिस इज द थ्रेड, सपनों का सौदागर, दिस इज द थ्रेड। ओके, एक बार और गाना और ध्यान से देखना, सपनों का सौदागर कौन है इधर। The reason why I'm telling you this, because if you're talking about सपनों का सौदागर, किसी पार्टी पूटी के साथ नहीं है, पर सपने तो हमें भी दिखाए गए थे, सपनों की सौदागरी तो बहुत हुई थी। सपनों के सौदागर, 2 करोड़ जॉब्स मित्रों। Yes, if you talk about सपनों का सौदागर, I mean that was the biggest सपना we all saw। हिंदुस्तान के एक-एक गरीब आदमी को सपने 15-20 लाख रुपए मिलते, 15 लाख रुपए इन योर बैंक अकाउंट। देखिए ये जुमला है, चलो मान लिया वो जुमला है, पर इसका क्या करें, इस सपने का क्या करें, सपनों के सौदागर की किसानों की आय डबल हो जाएगी। तो या दैट वाज आल्सो अ सपना कि वो सपनों के सौदागर। और उसके बाद ये जो बहुत दर्दनाक हत्याकांड हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड, उस पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये बहुत दुख की बात है। It's not about party or politics, it's about humanity. We should all raise a voice for Ankita Bhandari. किसी के साथ कभी कोई नाइंसाफी ना, और हर बात पर बोला जाए, किसी का धर्म नहीं देखा जाए, किसी की पार्टी नहीं देखी जाए, अगर गलत हुआ है तो सब एक आवाज में बोलें कि ये गलत हुआ है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के साथ मारपीट की गई, उसके बाद हत्या की गई, नदी में फेंका गया, उस रिजॉर्ट को क्यों पहले ही रातों रात तोड़ा गया, खासतौर पर उस जगह को जहां अंकिता रहा करती थी, जहां वो काम करती थी, क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? सुनते हैं आप? Guys, if you remember, I spoke about this to you, that photo culture thing. कि पहले फोटो अच्छी आ जाए, उसके बाद देखें काम क्या चल रहा है, ये बहुत गलत कल्चर है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो नाम अपने आप ही हो जाएगा, और फोटो नहीं भी छपेगी तो भी लोग जानेंगे कि आपने अच्छा काम किया है। Because this तो खींच मेरी फोटो कल्चर इज एक्चुअली ruining us. This massive disrespect of a player, ये आ रहा है, और ये सब पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फोटो लेना, काम करना इंपॉर्टेंट। कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। In the meme world, this old video of our prime minister was going viral. ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना, उनको आगे आ जाने दीजिए। भैया जी स्माइल। आप कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग पहले समझ जाते हैं कि मोदी जी और कैमरे के बीच आना ही नहीं है, एलजी खुद ही हट जाते। उसकी बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय। प्रधानमंत्री ने उसमें जोड़ा है, आई एम ट्राइड टू अंडरस्टैंड यू, ही न्यू इट, तो पहले ही फ्रेम से बाहर चले गए। अच्छा चलता हूँ। एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दिस इवेंट। प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड एट द वेन्यू फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द 36th नेशनल गेम्स as they're taking place in Gujarat. Sports stars were there, Modi ji bhi aaye the, aur jo kaam Modi ji kar rahe hain wo khiladiyon ko karna tha, log aisa keh rahe hain. Jano Mr. Gagan Narang, Miss Anju Bobby George aur Mr. Again the reason is camera is aur kar do tum. So this was also going on at the internet. To khich meri photo, to khich meri photo. Is samaroh ke dauran bhi Modi ji ne ek baat kahi जो हम सबको सुननी चाहिए, और हमने कहा मोदी जी क्या कह रहे हो, ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। डियर प्राइम मिनिस्टर वाज टॉकिंग अबाउट निपोटिज्म, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। और जैसे ही मोदी जी ने बात की, ये लिस्ट आ गई, अपोजिशन ने दिखाई कि ये सब नेताओं के बच्चे। जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद। एंड आफ्टर दैट स्पेशली पीपल टॉकिंग अबाउट हिम। नो, इट वाज अ रैंडम पिक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। परिवारवाद, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। सो गाइस, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मीडिया शुड आस्क, मीडिया शुड रेज। मतलब जो बात कही जा रही है वही नहीं फॉलो हो रही है, तो कम से कम मीडिया कुछ तो सवाल पूछे। लेकिन आप जानते हो मीडिया क्या कर रहा है, हमारा काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। That's why we are coming up with this series. If you're liking it, please share the video. And yes, इसके पीछे हमारी बस यही मंशा होती कि सही मुद्दे जनता तक पहुंचे, जनता सही ढंग से सोचे, so they can take wise decision. Country first, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।